नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने एक ट्यूटोरियल जारी कर रहा हूं, जिसमें अपन देखेंगे कि अपना जो आधार से लिंक करना है, पैन नंबर से अपना आधार लिंक करना है, तो उसमें पहले क्या था कि अपने इनकम टैक्स की साइट पर जाकर अपना जो पैन नंबर का जो अकाउंट है, जैसे उसमें पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ता था, उसके बाद में आधार लिंक पर हुआ करता था। लेकिन अभी एक नया विभाग ने जारी किया है जिसमें इनकम टैक्स की साइट पर जाकर केवल आप अपना लिंक जो है आधार, उसमें केवल आप बिना आईडी खोले अपने आधार को लिंक अपन कर सकते हैं, पैन नंबर से जोड़ सकते हैं। तो आइए अपन उसको देखते हैं। हाँ तो मित्रों, अपन देखेंगे कि अपना बिना इनकम टैक्स की साइट पर अपना आधार, मतलब अपन कैसे जोड़ सकते हैं अपना इनकम टैक्स जो आईडी है वो बिना खोले अपन किस तरीके से अपना आधार लिंक कर सकते हैं पैन नंबर से, तो अपन देखेंगे अभी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूसी जो अपना ब्राउज़र है उसमें ऑनलाइन गूगल पे जा कर के ये इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग को यहाँ पर टाइप करना होगा और उसके बाद में ये होम पेज आपके यहाँ पर खुलेगा। तो उसमें आपको यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है होम पेज पर, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो बड़ा सा ये दिख रहा है, यहाँ पर TDS लिखा हुआ आएगा अभी, और उस पर भी आप सीधा लिंक इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोनों तरीके से आप इसको बिना आईडी अपनी लॉगिन किए इसको लिंक आधार अपना पैन नंबर से ये कर सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि आधार लिंकिंग विथ सिंपल मतलब मोड, तो यहाँ पर अपन ने क्लिक किया और यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे। मेरे एक साथी हैं, उनका अपन पैन नंबर डाल के देखते हैं। और आधार नंबर उनका है, ये उनका आधार नंबर भी अपन ने यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ पर अपन कह रहा है कि नेम एस पर इन आधार, आपके आधार में जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है। अगर आपके आधार में नाम गलत होगा तो ये लिंक नहीं करेगा। जैसे अपना नाम होता है, मान लो तीन स्टेपों में नाम होता है, जैसे मेरा नाम है केवल कुबेर पाटीदार है, मेरा नाम दो स्टेप में है, कुबेर और पाटीदार, फर्स्ट नेम कुबेर और मिडिल नेम मेरा कुछ भी नहीं है, लास्ट नेम मेरा पाटीदार आएगा। लेकिन कहीं बीच में चंद्र भी होता है तो कुमार भी होता है। तो इस तरीके से अगर आपके पैन नंबर में जो नाम है वैसा का वैसा आधार में भी होना चाहिए तो ही आपका लिंक करेगा, नहीं तो ये मैसेज दे देगा कि योर पैन डज नॉट मैच योर आधार डाटा। तो इस तरीके से अपन देखते हैं ये आधार अपना जो भी है इनका नाम अपन डालते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा चेकबॉक्स है, उसको आई हैव ओनली योर ओल्ड आई हैव ओनली ऑफ द बर्थ इन आधार कार्ड, तो यहाँ पर अपन चेकबॉक्स पे टिक कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो इमेज दी हुई है कैप्सा कोड इसको बोलते हैं, और ये इसलिए देता है कि कंप्यूटर वेरीफाई करता है सिस्टम कि यहाँ पर जो कंप्यूटर चला रहा है वो इंसान चला रहा है या रोबोट चला रहा है। तो अपन को दिख रहा है या नहीं दिखने पर यहाँ से बदल भी अपन इसको सकते हैं। तो ये अपन इमेज डाल देते हैं WESY, और यहाँ पर लिंक आधार पर अपन इसको क्लिक करते हैं। ये बता रहा है मैसेज बॉक्स में, मैसेज दे रहा है कि यूअर पैन ऑलरेडी लिंक्ड विथ आधार, मतलब ये जो पैन नंबर अपन ने डाला है वो ऑलरेडी आधार से लिंक हो चुका है पहले से ही, ये दोबारा नहीं करेगा। लेकिन अपन को दोबारा वो करना है जो नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है उसमें भी एक शर्त होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अगर उसमें नाम या डेट ऑफ बर्थ या कोई मिस्टेक होगी तो इसको ये नहीं जोड़ेगा। तो आपने देखा मित्रों किस तरीके से ये सीधा सा तरीका है अपनी बिना इनकम टैक्स की साइड पे अपना मतलब पैन नंबर और पासवर्ड आईडी डाले बिना अपन
इसको आधार से किस तरीके से अपन लिंक कर सकते हैं। तो अपन एक तरीका दूसरा भी अपनाते हैं, जैसे दूसरा एक पैन नंबर है उसको डालकर अपन देखते हैं तो ये यहाँ पर लिंक करता है या नहीं करता है। इसी को अपन कर लेते हैं, यहाँ पर अपन पैन नंबर डाल देते हैं। और यहाँ पर उनका आधार नंबर डाल देते हैं अपन। और उनका आधार नंबर है, और यहाँ पर उनका नाम लिख देते हैं। और यहाँ पर चेक बॉक्स है, यहाँ पर अपन टिक कर लेते हैं। अब उसमें जा कर के अपन इसको जो इमेज है वो यहाँ पर अपन फिल करते हैं, 6ZW, और लिंक आधार पर अपन टिक करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इन केस द आधार नेम प्रोवाइडेड इज करेक्ट देन, मतलब आपका जो आधार में नाम है वो गलत है, इनके पैन नंबर में जो नाम है वो अलग है, मतलब दोनों फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम दोनों इसमें कॉमन कर दिया गया है, इसलिए ये आधार इससे लिंक नहीं करेगा। तो देखा मित्रों आपने किस तरीके से, ये बिल्कुल सरल तरीका है जिससे अपन बिना अपनी मतलब इनकम टैक्स की साइट को लॉगिन किए बिना अपना आधार जो है वो अपन आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले दोस्तों। ओके, थैंक्स, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बहुत जल्दी मिलते हैं अपन।